बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी आने वाली फिल्म ए जेंटलमैन के लिए खबरों में हैं। खबरें हैं कि आशिकी टीम के लिए सिड गिटार बजाना सीख रहे हैं, लेकिन इससे पहले वे रैपिंग भी करेंगे और सिंगिंग भी। आपको ये बात कोई अजीब नहीं लगेगी, क्योंकि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के बाद अब सिद्धार्थ भी सिंगिंग में हाथ आजमाने जा रहे हैं। सलमान, अनुष्का, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा के बाद अब सिद्धार्थ भी सिंगिंग में डेब्यू करने वाले हैं। खबरों की माने तो ये जेंटलमैन के डायरेक्टर राजू और कृष्णा सिद्धार्थ के काफी करीब हैं। दोनों जानते हैं कि सिड काफी अच्छी रैपिंग कर लेते हैं। ऐसे में दोनों ने सिड के स्टाइलिंग को छुपाने के बजाय दिखाने की ठीन ली है। सिड जल्द ही अपनी फिल्म ए जेंटलमैन में गाते हुए नजर आएंगे। यह फिल्म पहले से ही खास बनी हुई है। फिल्म में सिड डबल रोल में है। फिल्म में हॉट एंड बोल्ड जैकलीन फर्नांडिस हैं। सुंदर सुशील एंड रिस्की सिड की सिंगिंग और जैकलीन का हॉट बॉल डांस फिल्म में खास आकर्षण हो सकता है। जी हाँ, फिल्म के गाने बंदूक मेरी लैला में सिड ने एक पूरा पोर्शन रैपिंग का खुद गाया है। यह गाना जल्द ही रिलीज किया जाएगा। इसके साथ सिद्धार्थ की एक्टिंग से साथ अब आप उनकी सिंगिंग का भी मजा लेंगे। ए जेंटलमैन 25 अगस्त को रिलीज हो रही है।